सुल्तानपुर के थाना घम्मौर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने महिलाओं और छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले एक युवक को धर दबोचा, मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। सुल्तानपुर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल, सरकारी डॉक्टर्स की मनमानी, दोपहर 12 बजे के बाद अस्पताल आते हैं डॉक्टर्स, मरीज हुए हलकान। सुल्तानपुर के लंबुआ की ग्राम सभा घुसवारपुर में चलती विद्युत लाइन में तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से लाइनमैन गोविंद की हुई दर्दनाक मौत, कोहराम मचा। सुल्तानपुर के चौक घंटाघर की पुरानी हनुमानगढ़ी से बुढ़वा मंगल को निकाली गई हनुमान जी की शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। सुल्तानपुर में जनहित सेवा संस्थान के अमेठी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हबीब के ऊपर हुए जानलेवा हमले में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस महाधीक्षक को लिखा शिकायती पत्र, पुलिस के ढुलमुल रवैये पर जाहिर की नाराजगी। सुल्तानपुर के भदैया ब्लॉक के समेरी पुरुषोत्तमपुर में खुलेआम ठेकेदार कर रहे हैं मिलावटी सामानों से शौचालय का निर्माण, ग्रामीणों ने सेक्रेटरी पर लगाया मिलीभगत का आरोप, चुप्पी साधे है प्रशासन। सुल्तानपुर के थाना मोतीगरपुर के गौरा में दीवार बनाने को लेकर दो पक्ष भिड़े, चटकी लाठियां, 55 वर्षीय लल्ली का सिर फूटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सुल्तानपुर के लंबुआ के सामुदायिक मिलन केंद्र में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, मिलन पर सभी संबंधित अधिकारी जुटे, किया गया शिकायतों का निस्तारण। सुल्तानपुर में अवंतिका के संचालक आलोक आर्या के स्वस्थ होने को लेकर नगर के रामलीला मैदान, कुड़वार नाका सहित कई जगह हुआ हवन पूजन, लोगों ने की दुआएं। सुल्तानपुर के अहिमाने स्थित बड़ौदा क्षेत्रीय बैंक के छत का जाल खोलकर घुसे चोर, नकदी ले जाने में असफल होने पर बैंक के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर भागे, पुलिस ने शुरू की मामले की जाँच। सामान तो गया नहीं है, पर फिर भी चूंकि अटेम्प्ट हुआ है और जो भी गैंग है इसमें इस तरह से इन्होंने घटना को पारित किया है, सीसीटीवीज को भी सबको डिसमेंटल कर दिया है और डीवीआर वगैरह भी ले गए हैं, तो इस गैंग को वर्कआउट करने में और बदमाशों को पकड़ने में जो है हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सुनी जनता की समस्याएं, तत्काल निस्तारण के दिए उचित निर्देश। सुल्तानपुर के शास्त्री नगर इलाके में टंकी से पानी चोरी के मामले में हुए झगड़े में 40 वर्षीय नीलम सिंह को आई गंभीर चोटें, संबंधित मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का लगा आरोप। सुल्तानपुर में बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में हुई भारी सजावट, दर्शन करने में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। सुल्तानपुर की सदर तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, नवागत उपजिलाधिकारी प्रणय सिंह ने सुनी जनता की समस्याएं, जुटी भीड़।